मन वीणा के तार छेड़ने में अद्भुत शक्ति है, स्वर में, संगीत और काव्य में। संत कवियों के भजनों ने श्रद्धालुओं को इतना भाव विभोर कर दिया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राधे कृष्ण की शरण में आकर एकाकार साध लेता है। मन में उपजे विकारों को भस्म कर अपनी आत्मा को कुंदन की तरह खड़ा बना सकता है। फिर होगा परमानंद का अनुभव। इन्हीं भजनों में अपनी अंतरात्मा की प्रतिध्वनि पाई है अनूप जलोटा ने। अनूप जलोटा अपने पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जो भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने सुर प्रकाश से उसी पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि नाम बसे, हरि नाम बसे,
हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया। रे जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिन काम किया परमारथ का, 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 तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया। रे जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके घर एक सपूत भयो। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, तिन लाख कपूत भया न भया, तिन लाख कपूत भया न भया। रे जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे।
भजन की सबसे सुंदर पंक्तियां यहां हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन मात पिता की सेवा करी, 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 सेवा करी, सेवा करी, सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ व्रत किया न किया हो, तिन तीरथ व्रत किया न किया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिन काम किया परमारथ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके घर एक सपूत भयो, तिन लाख कपूत भया न भया, जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ व्रत किया न किया, तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, कपटी को मीत किया न किया, कपटी को मीत किया न किया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे, भगवान बसे, राधे श्याम बसे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, दारुणम। अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम,
अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ुति रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम श्याम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम दारुणम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दनल दुष्ट निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दनल दुष्ट निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जिति खर दूषणम श्याम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम श्याम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम भाति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर्षित अली एहि भाति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंद चली श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज
భజనన మరణ భవ భారుణం నవ కంజ లోచన కంజ ముఖ పద నవ కంజ లోచన కంజ ముఖ పద కంజ పద కంజారుణం రామచంద్ర కృపాలు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణం దారుణం శ్రీరామచంద్ర కృపాలు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణం దారుణం राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है राम बिना आराम कहाँ है राम बिना आराम कहाँ है सारे निजबानी जा रे सारे निजबानी रे जा सारे मवरे जा नी रे जा मवरे जा निजा बानी जा रे जा रे नी रे जा रे जा रे निजा बानी बाजा जा नी रे जा रे नी रे जा रे मव जा रे मव रे बाबा बाबा बादा बादा बाबा दा सारे जा धा धा मादा मादा रे मसा राम बिना राम कहाँ है सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है राम बिना आराम कहाँ है राम रमैया गाए जा जीवन के सुख पाए जा राम रमैया गाए जा जीवन के सुख पाए जा राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा भटकाए जब भूल भुलैया बीच भंवर जब अटके नैया बीच भंवर जब अटके नैया भटकाए जब भूल भुलैया बीच भंवर जब अटके नैया राम रमैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा राम रमैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम नाम बिन जागा सोया
अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। इस भजन में भगवान श्री राम के चरणों की महिमा गाई है। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिव लाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिव लाई। सोई चरण केवट धोईली ने, सोई केवट धोईली ने। तब हरि नाभ चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण केवट धोईली ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया।
प्रभु ने कहा केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। प्रभु ने कहा क्या शर्त है? केवट बोला प्रभु पहले अनुमति दें मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है, इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यही व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया, सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु ने कहा यह तो ठीक है, नाई और धोबी का मामला है, मेरा तुम्हारा व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, एक ही व्यवसाय है। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। पार मोही उतारियो। प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है, मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा सा फर्क है, मैं एक छोटी सी नदी का मल्ला हूं और आप इस भवसागर के मल्ला हैं। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन,
राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुख राम चरण सुख राम चरण सुखदाई। सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले कर ले कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरी नाम बिना, सुमिरन कर ले हमारा जीवन भगवान के नाम के बिना सुमिरन के बिना व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिन्हें सुनने से ये बात स्पष्ट हो जाती है, समझ में आती है। पंछी पंख बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले कूप नीर बिना कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती मेघ बिना, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती मेघ बिना, जैसे तरुवर जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, जैसे तरुवर फल भी नहीं ना तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले सबसे सुंदर उदाहरण इन पंक्तियों में है, ध्यान दीजिए। देह नैन बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, रैन
चंद्र बिना रण धनि जगमग धनि सगम धमग धनि मम गनि गगनि सदनि सगम गगनि सदनि सगम गगनि सदनि सग मद मद ग मद ग मदनि सनि सदनि धनि मद मद ग मग सग मद पद देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले अंतिम पंक्तियां हैं काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तू संत जना कहे नानक तू सुन भगवंता कहे नानक तू सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी दीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले भरत भाई भरत भाई कपि से उरिन हम नाही कपि से उरिन हम नाही भरत भाई कपि से उरिन हम नाही भरत भाई
कपि से उरिन हम नाही। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास समाप्त करके वापस आए और भरत को वनवास कथा सुना रहे कि देखो भरत, हमारे साथ क्या क्या हुआ, रावण वध भी हुआ और ये कौन कौन से लोग जिन्होंने हमारी सहायता करी, उसमें सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का, तो नेत्र भराए प्रभु के और बोले, भरत ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, कपि से उऋण हम नाही, कपि से उऋण हम नाही, कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही। देखो भरत, क्या क्या किया कपि ने। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूद गयो क्षण माही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूद गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। धौला गिरी कर धर ले आयो, धौला गिरी कर धर ले आयो, भोर ना होने पाई। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बैठी गयो मठ माही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बैठी गयो मठ माही। और ये पंक्तियां बड़ी हृदय स्पर्शी है, ध्यान दे। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहे बोला तो जग माही। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, कीनी
आज्ञा भंग कबहू नहीं कीन्ही, जहां पठायु तहां जाई। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीन्ही, जहां पठायु तहां जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम, कपि से उरिन हम, कपि से उरिन हम नाही। पलका पर सोवत कामिनी रे, पलका पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पी संग लाग्यो। बड़ा सुंदर वर्णन है मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, और वो भी स्वप्न में। तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है। पलका पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पी संग लाग्यो। पल में लग गई पलकन मोरी, मीचत ही पल में पिया आयो। अर्थात जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए। पलका पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पी संग लाग्यो। पल में लग गई पलकन मोरी, मीचत ही पल में पिया आयो। मैं जो उठी पिया आदर देने, मैं जो उठी पिया आदर देने, जाग पड़ी पिया हाथ नायो। और सखी पिया सो कर खोया, और सखी पिया सो कर खोया, मैं अपना पिया जागी गवायो। मैं अपना पिया जागी गवायो। मीराबाई का भजन प्रस्तुत है। मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो मैंने लीनो, गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल।
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। मैंने लीनो तराजू तोल मायरी, मैंने लीनो तराजू तो, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी, सानी अर्थात छुपा कर लेना। कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी, कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी। मैंने लीनो बजंता ढोल मायरी, मैंने लीनो बजंता ढोल, मैंने लीनो बजंता ढोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला, कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला। मैंने लीनो अमोलक मोल मायरी, मैंने लीनो अमोलक मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका तो अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है, मोल लिया है। जब भी कुछ खरीदा जाता है तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है, तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में? मीरा का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो आवत प्रभु आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो अमोलक मोल, मैंने लीनो तराजू तो।
जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा। बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। इस भजन में वर्णन है हमारा जीवन अलग अलग अवस्था में विभिन्न झंझटों में फंस जाता है। हर काम करता है लेकिन एक काम करना ये मन भूल जाता है, और वो है ईश्वर का नाम लेना। तो अलग अलग अवस्थाओं में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से झंझट होते हैं जिनमें मनुष्य उलझ के रह जाता है, उसी का वर्णन है। पांच बरस का भोला भाला, पांच बरस का भोला भाला, अब तो बीस भाइयों, अब तो बीस भाइयों, मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, देश विदेश गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। तीस बरस की अब मति उपजी, तीस बरस की अब मति उपजी, तो लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, पर अजहू न तृप्त भयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो रे। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलसु पजी आ,
लसुपजी वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफनित कंठ रहो कफनित कंठ रहो संगति का बहुना किनी तूने संगति का बहुना किनी रे तूने वृथा जन्म गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो रे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो बरस का भोला भाला अब तो बीस भयो मकर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो तीस बरस की अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो माया जोड़ी लाख करोड़ी अजहु न तृप्त भयो वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफनित कंठ रहो संगति कबहु न कीनी तूने वृथा जन्म गयो ये संसार मतलब का लोभी ये संसार मतलब का लोभी झूठा ठाठ रचो झूठा ठाठ रचो कहत कभी समझ मन मूरख कहत कबीर समझ मन मूरख तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो रे तूने।